हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप बिल्कुल फिट एंड फाइन होगे, फिजिकली भी और मेंटली भी। इफ़ यू डोंट नो अबाउट माई सेल्फ, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ रोमा। एंड आपकी ही तरह मैं भी नीट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। एंड इस प्रिपरेशन के दौरान जो मेरी प्रॉब्लम्स एंड डाउट्स होते हैं, ऑब्वियसली वो आपके भी डाउट्स होते हैं। इसलिए मैं अपने पढ़ने का तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको वो पसंद आए और आप भी उसे फॉलो करके अपने प्रॉब्लम्स का दी एंड कर सकें। तो आज मैं ये बताऊंगी कि मैं कैसे डेली लेक्चर्स एंड रिवीजन और AITS प्रिपरेशन का टाइम मैनेज करती हूँ। इस टाइम पे हमें हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट स्टडी भी करना चाहिए। पहले तो जो भी स्टूडेंट्स लेक्चर लेने में ही 10-12 घंटे लगाते हो, क्या कर रहे हो यार, इतना टाइम कैसे लगा रहे हो? अगर लाइव क्लासेस देख रहे हो तो बंद कर दो, बिकॉज आपको पता है कि रिकॉर्डिंग क्लासेस में कितना ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू लाइव क्लास। लेक्चर अगर 2x में नहीं समझ आता है तो आप 1.5x पे देख सकते हो। और अगर देखते वक्त सिर्फ लेक्चर ही अटेंड करते हो ये सोच कर कि नोट्स साथ में बनाऊंगा तो समझ नहीं आएगा, डूड इट्स योर गलतफहमी। जब सर समझा रहे हो तो ऑब्वियसली बी फोकस्ड ऑन इट, बट सर जैसे ही नेक्स्ट स्लाइड पढ़ाने जाएं तो पॉज द वीडियो एंड नोट दैट स्लाइड। इट्स अ टाइप ऑफ रिवीजन फॉर अस, क्योंकि पहले आपने एक बार समझा और फिर नोट्स में लिखते वक्त उसे दोबारा पढ़ा। इट्स मेक योर मेमोरी शार्प। अगर नोट्स बनाते वक्त कोई डाउट आता है तो आप लेक्चर रिवाइंड करके भी फिर से समझ सकते हो। और जैसे ही आपने लेक्चर एंड किया उसके जस्ट बाद रिवाइज योर नोट्स एटलीस्ट 1 टाइम, फिर देखना आपको वो याद हो जाएगा। वन मोर थिंग, अगर एक लेक्चर अटेंड करने के बाद अगर आप ब्रेक लेना चाहते हो तो इट्स गुड, बट आप अपने ब्रेक टाइम को वेस्ट मत करो कॉमेडी एंड फनी वीडियोज़ या रील्स देखने में। आप आराम से लेट जाओ और रेस्ट करते हुए जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है, ऑब्वियसली उसकी NCERT रीडिंग तो करनी ही होगी, बट बुक ओपन करके रीडिंग करना इज़ क्वाइट बोरिंग। बट NCERT बेस्ड क्वेश्चन करना इज़ नॉट बोरिंग, इसलिए आप यूज़ कर सकते हो मेमोनीट ऐप, जिसमें आपको हर वो चीज़ मिलेगा जो एक नीट एस्पिरेंट को सेलेक्ट होने के लिए चाहिए, वो भी एक इंटरैक्टिव वे में, जैसे कि NCERT बेस्ड MCQs जो कि NCERT की हर एक लाइन से फ्रेम किए गए हैं, वो भी लेटेस्ट नीट 2022 के पैटर्न में, और असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस। और आप अपने ब्रेक टाइम को वेस्ट मत करो, यूटिलाइज करो, जस्ट क्लोज योर आइज एंड मेमोनीट ऐप पर टॉपिक बेस्ड पॉडकास्ट सुनो। अगर फन के साथ लर्न करना चाहते हो तो मीम्स पढ़ो और याद भी करो। यू कैन प्ले क्रॉसवर्ड्स, जिसमें नीचे क्वेश्चंस लिखे होते हैं एंड आपको उसका आंसर यूज़ करके क्रॉसवर्ड्स को फिल करना है। एंड सबसे मेन चीज़, आप सब कितना परेशान होते हो ना, नोट्स नहीं बना, दीदी आप नोट्स शेयर कर दो, मेमोनीट ऐप पर आपको वो भी मिल जाएगा। और ये नोट्स बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, क्योंकि नोट्स के नाम पर बोरिंग स्टेटमेंट नहीं लिखे हुए हैं। मेमोनीट ऐप के नोट्स बहुत ही अट्रैक्टिव है, जैसे कि टेबल्स फॉर्मेट हैं, माइंड मैप्स है और भी बहुत कुछ। और अगर आपको चैप्टर वाइज PYQs करने हैं तो वो भी अवेलेबल है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के फॉर्मूले के लिए फॉर्मूला सेक्शन भी है, और ऑर्गेनिक के नेम्ड रिएक्शंस का भी सेपरेट सेक्शन है। और अगर आप चैप्टर वाइज या फिर यूनिट वाइज टेस्ट देना चाहते हो तो वो भी आपको मेमोनीट ऐप पर दे सकते हो। टेस्ट, MCQs, नोट्स, पॉडकास्ट, मीम्स, क्रॉसवर्ड्स, असर्शन एंड रीजन, ये सारे ही NCERT के लाइन से फ्रेम किए गए हैं। और आपको क्वेश्चन का एक्सप्लेन्ड आंसर भी मिलेगा, जिसमें ये भी लिखा होता है कि ये NCERT के किस पेज के किस पैराग्राफ से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। When there is a lot of qualities in just one app, तो फिर वेट किस चीज़ का कर रहे हो? लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो ऐप को डाउनलोड करो, यूज़ करो एंड अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करो। और मेरा कूपन कोड Roma300 यूज़ कर लेना, आपको 300 ऑफ मिल जाएगा किसी भी सब्सक्रिप्शन पे। अब आपको ये तो पता चल गया कि टाइम सेव कैसे करना है, एंड मैंने ये भी बता दिया कि लेक्चर एंड नोट्स करने में भी कैसे टाइम सेव कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, और मैं अब आपको ये बताती हूँ कि AITS के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। पहले तो जितना भी चैप्टर्स टेस्ट में आने वाले हैं उसको नोट करो, और छोटे छोटे चैप्टर्स की अलग लिस्ट बनाओ
और बड़े वाले चैप्टर्स की अलग लिस्ट बनाओ और ये देखो कि टेस्ट में कितने दिन बचे हुए हैं। फिर उसी हिसाब से टेस्ट के चैप्टर्स हर एक दिन के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दो। फॉर एग्जाम्पल AITS 4 में 13 चैप्टर्स आ रहे हैं और हमारे पास 13 डेज का टाइम भी है, तो मैं ऐसा करूँगी कि डेली एक एक चैप्टर का टारगेट रखूँगी और उसे कंप्लीट करने की भी पूरी कोशिश करूँगी। और अगर मान लो कि कोई चैप्टर बड़ा है और वो एक दिन में लेक्चर्स लेने के बाद इतना टाइम नहीं बचा और नहीं हो पाया कंप्लीट, तो अगले दिन कोई छोटा सा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद बाकी बचा हुआ चैप्टर भी उसके साथ कंप्लीट कर सकते हैं। और डेली मैक्सिमम 30 मिनट्स अगर आप निकाल पाते हो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए निकालने की कोशिश करो। इफ़ यू हैव टाइम अदरवाइज संडे को टाइम मिले तो भी कर सकते हो। अब मान लो कि रिवाइज करते वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई टॉपिक या फिर कोई चैप्टर भूल गए हो, तो आप उसे कैसे करोगे? उसे आप उम्मीद बैच से भी कर सकते हो। और ऐसा भी हो सकता है कि एक या दो चैप्टर रह जाए जिसे आप रिवाइज नहीं कर पाए हो, तो ये मत सोचना कि उन दो चैप्टर्स की वजह से टेस्ट ही नहीं देना। टेस्ट ज़रूर देना, टाइम मिले तो उन चैप्टर्स के सिर्फ PYQs कर लेना। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप मेमोनेट ऐप से भी कर सकते हो। टाइम तो मैनेज करना ही पड़ेगा। आप देखो कि आप पूरे दिन में क्या करते हो और कहीं टाइम वेस्ट हो रहा है तो उसे यूज़ करो, उसे वेस्ट मत करो, यूज़ करो टाइम रिवीजन करने में। अगर डेली 10 आवर्स भी लेक्चर और उसका रिवीजन करने में लगाते हो तो भी आपके पास डेली 3-4 आवर्स बचते हैं। और अगर आप ज़्यादा पढ़ते हो तो 5 आवर्स है जिसमें आप AITS के लिए रिवाइज कर सकते हो। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो और आपके डाउट्स भी क्लियर हो गए हों। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। टिल देन कीप स्टडिंग, बी मोटिवेटेड, बाय। Change, looking for fame, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. Yeah. I'll be the best above all the rest, put me to the test. Yeah. Expect nothing less, you check as I'm chess. What's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. I'll